हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त जुगल शर्मा। आज के सेशन में हम लोग राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे जो यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के अनुसंधानकर्ता कौन कौन है। सबसे पहला जो हमारा फैक्ट रहेगा, राजस्थान की प्रमुख थोड़ा सा बोर्ड में कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के अनुसंधानकर्ता, ठीक है। सबसे पहले हम इनके फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो पुरातात्विक स्थल है, एक तरफ हम लिखेंगे पुरातात्विक स्थल, ठीक है, दूसरी तरफ हम लिखेंगे उनका समय क्या रहा है, और तीसरी तरफ हम लिखेंगे उनके उत्खननकर्ता इनके कौन कौन है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंद्रगढ़ टोंक पे जयपुर। जो इंद्रगढ़ पुरातात्विक स्थल है उसका समय रहा है 1900 ईस्वी, जिसके उत्खनन करता है सीए हैकर 1900 ईस्वी, और इनके उत्खनन करता है सीए हैकर, ठीक है। सेकंड जो हमारा पुरातात्विक स्थल है वो है झालावाड़, ठीक है। इसके जो टाइम है वो है 1908 ईस्वी, ठीक है, और इसके उत्खनन करता है सेटनकार। तीसरा जो हमारा उत्खनन स्थल है वो है नगरी, जिसको मध्यमका नगरी भी बोलते हैं। नगरी कहां पर पड़ता है? नगरी पड़ता है चित्तौड़ में, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1904 इससे लेकर 1915-16, ठीक है। इसके अलावा 1962 ईस्वी में है, और इसके जो उत्खनन करता है वो डॉक्टर भंडारकर और केंद्रीय पुरातात्विक विभाग है। 1962 इसके जो उत्खनन करता है वो इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भंडारकर और केंद्रीय पुरातात्विक विभाग, ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। तीनों के उत्खननकर्ता आपको याद रख के चलना है, इंद्रगढ़ टोंक जयपुर के सीए हैकर, झालावाड़ के सेटनकार, और नगरी चित्तौड़गढ़ के डॉक्टर भंडारकर और केंद्रीय पुरातात्विक विभाग, ठीक है, ये आपको याद रख के चलने हैं। नेक्स्ट हमारे जो है पुरातात्विक स्थल वो है चौथा कुराड़ा। ये कहां पर पड़ता है? ये जो पुरातात्विक स्थल है वो पड़ता है पर्वतसर में, ठीक है। इसका टाइम पीरियड मिलता है लगभग 1934 ईस्वी के आसपास का, और इसके उत्खननकर्ता कौन है? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विराटनगर, जो कि जयपुर में है, विराट सभ्यता कहां पर है? जयपुर में है। इसका टाइम पीरियड भी दो टाइम पीरियड है, एक तो 1936-37 के आसपास जब दयाराम सानी ने खोज करी थी, बाद में खुदाई इसकी होती है 1962-63 में। कौन करता है? नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, दो नाम आते हैं इसमें, 1936-37 और 1962-63, दयाराम सानी, इन्होंने तो करी खोज।
दयाराम सहनी, इन्होंने खोज करी और खुदाई किसने करी? नीलरत्न बनर्जी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। कैलाश नाथ दीक्षित, इन दोनों का नाम आपको याद रख के चलना है। खुदाई में विराटनगर जो सभ्यता है जयपुर में, ठीक है। इसके बाद जो छठवीं जो सभ्यता है हमारी, वो सभ्यता है रेड सभ्यता, जो कहां पर है? टोंक में। रेड सभ्यता को क्या कहते हैं? टाटा नगर भी कहते हैं। और विराट सभ्यता से क्या मिला है? बाबरू का शिलालेख मिला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रख के चलनी है। मोहम्मद राशिद, थैंक यू सर, वेलकम भाई साहब आपको। रेड कहां पर है? टोंक में। इसका टाइम पीरियड है 1938 से 40 तक। और इसके जो उत्खनन करता है वो है डॉक्टर केदारनाथ पुरी, के एन पुरी, डॉक्टर केदारनाथ पुरी इसके उत्खनन करता है रेड सभ्यता के, ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट जो हमारी सभ्यता है, सातवीं सभ्यता, वो है कालीबंगा सभ्यता, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। इसका टाइम पीरियड आप सभी को पता होगा, 1952 में तो इसकी खोज होती है। 1952 में क्या होती है? खोज होती है अमरानंद घोष के द्वारा। और 1961 और 62 में इसकी खुदाई होती है। 1961-62 में इसकी खुदाई होती है। खोज कौन करता है कालीबंगा का? खोज करता है अमरानंद घोष जी। और खुदाई कौन करते हैं? बीबी लाल, जेबी जोशी और बीके थापर। अमरानंद घोष, इन्होंने तो खोज किया था इसका और उत्खनन कार्य किया था बीबी लाल, बीके थापर और एक और नाम आता है जीबी जोशी। इन तीनों ने क्या की थी? उत्खनन किया था इसका। लिख देता हूं मैं यहां पर, खोज और उत्खनन, ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट जो हमारी सभ्यता है वो है रंगमहल, रंगमहल सभ्यता। इसके जो उत्खनन करता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगमहल